तो आपने देखा होगा, यहाँ से मैंने पैकिंग करके और फिर नीचे आई और नीचे जाके फिर सबसे मिल लिया। और अब यहाँ से हम निकल रहे थे क्योंकि मेरे ट्रेन का टाइम हो रहा था और मैं पहुँच चुकी हूँ स्टेशन प्लेटफॉर्म सॉरी। और अब हम जा रहे हैं ट्रेन का और आ चुके हैं हम अब ट्रेन में। और ये सफ़र तो बहुत ही प्यारा और अकेले में तो और ही अच्छा लग रहा था, ना तो कोई डर, क्योंकि बहुत ही सेफली मेरे उन्होंने टिकट बुक करवाई थी, जो अच्छी सीट मिली है मुझे। मुझे किसी भी चीज़ का डर नहीं लगा, आराम से आई, ऐसा लगा जैसे कि मैं घर पे ही हूँ और सोते सोते जा रही थी, इंजॉय कर रही थी। बाहर का भी तो और ही बहुत ही प्यारा लग रहा था। लेकिन इनको दिखी नहीं तो इन्होंने मेरी वीडियो बनाई नहीं थी, वरना इन्होंने बोला था मैं वीडियो बनाऊंगा जब तू उतरेगी, लेकिन कोई ना, क्योंकि मैं दिखी नहीं तो ये डर गए थे। लेकिन फाइनली हम मिल तो चुके हैं और अब हम जा रहे हैं हमारे रूम की तरफ। होली पिक्चर चल रही है, देखेंगे आएंगे कभी देखने। और अब हम आ चुके हैं हमारे रूम पे और बोल है कि वीडियो मत चलो करना, क्योंकि मैंने यहाँ पे भी घेरा कर दिया तो जलाने के चक्कर में, क्योंकि बैग में सारा सामान था पलंग के ऊपर डाल के आ गए। लेकिन कोई ना, ओ मैं कितने जी भी सोरे होंगे या आपने भी घेरे हैं। तो हम नहा धो के रेडी हो चुके थे और हम खाना लेके आई थी ब्यावर से, इनके लिए स्पेशली बोला था कि मेरे लिए मीट लेके आना, तो मम्मी से बनवा के लेके आई हूँ। तब हम मिल के खा रहे हैं फ्रेश होके। नेक्स्ट मॉर्निंग हो चुकी है, ब्रेकफास्ट लेके आ चुके हैं और उनको तो पता ही नहीं है, हम तो आराम से सो गए और बस सो जाते हैं। बोलो कुछ। इसके अंदर रात को नल किसने लगाया चलाया? तो मस्त लग रहा ना पनीर पर। हमारी सामने रूम के कौन आया है मैं आपको दिखा रही हूँ, शायद आपको इधर से ढंग से नहीं दिख रहा होगा, दिख तो रहा है लेकिन क्लियर ना हूँ। अब इधर से कौन जाए, हम इधर से ही निकल जाते हैं, वैसे छोटे से तो हैं, अब हम पतले हो गए हैं तो मोर। हवा ठंडी ठंडी और ये पार्क का नजारा, खत्म हो चुके हैं ना क्योंकि रेडी उठ गई थी मैं सो के, अभी तक हमारी जनाती आई है नहीं, कर लेते हैं यहाँ से बैठ के ही बाहर का नज़ारा देखते हैं जो बहुत है। क्या कर सकते हैं यहाँ पे, बल्कि ऐसा है लेकिन खाना जो डाल के गए हैं ना, रायता फैला दिया, ये है रायता, ये दाल चावल और ये तो पता नहीं क्या ही लग रहा है, पचकूटा लग रहा है, आलू है, भिंडी है, देन ये मेरे फेवरेट्स, देन ये पानी और रोटी, बस आ जाए वो बारिश को भी अभी आना था, उनको तो भेज देते पहले।
शुक्र है तो ये आ गए हैं और अब हम मिल के खाना खा लेते हैं। तो हमने खाना खा लिया है, ये पता नहीं फोन में दिन भर और हम पड़े रहते हैं बस। तो फिर से अब बैठ गए हम इस आम को खाने के लिए, टेस्ट कर रहे चाक का मीठा है मेरा, हम एक दूसरे को खुद का ही मीठा लग रहा था तो खाइए अपना अपने। चलवाइए। अब हमारे डिनर आ चुका है, बटर का हलवा, बस खाओ पियो सो उठो। बेचारे ये ड्यूटी दे के आए तो फिर वो हमारे लिए दाल वाला लेके आए हैं, लौकी दाल। कभी देखी ऐसी सब्जी लौकी की दाल के एक साथ? हाँ मैंने सुना है, मतलब खाई नहीं है कभी। ओ फाइनली ये लड़का मुझे लेके आ चुका है बाहर। तो आज का ये थर्ड डे और अब हम जा रहे हैं कैंटीन कुछ सामान लाने, क्योंकि मैं लेके नहीं आई थी। क्या आप मुझे दिखा सकते हो मेरा? एक बात पूछूं, ऐसे कौन से जवान होते, मतलब कि बुड्ढे हो जाते हैं लेकिन फिर भी वो जवानी कहलाते हैं? अब कहाँ जा रहे हो? नहीं लक्स मुझे अच्छे नहीं लगते, आपके लिए नहीं। बहुत है गुलकोंडी भी है ना, वो गुलाब जल और वो भी लेना, बाहर की तरफ देखे थे मैंने।
नमकीन मिक्स वाली ले लेते हैं। तो आप ले आए भरपूर आगे चलो 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 किसी का भी हो लो तुम तो दे नहीं सकते हो वो क्यों तोड़ जब आपने तो मेरे को वो एक भी नहीं दिया उसने ये तो तोड़ा सोचते हो ना सोचना और करना अलग अलग बात होती है यू नो व्हाट हम पास आ चुके हैं सिटी लग के और ये नींबू आम काट दिया है लाल चक्कर दिखा सकती हूँ ये खाने का टाइम ये है क्या पर हम इनकी कंडीशन दिखा नहीं सकते सो हम हमारा खाना दिखा देते हैं सारे केले ला चुके हैं और बोल के गए खा लेना अब इतने सारे कैसे खाऊंगी आई नो आई एम वेरी वीक एक तो खा ही लेती हूँ दुकान लगा दी तो हमने खा लिया है बनाना और अभी थोड़ी देर रेस्ट कर लेते हैं बेचारे वो तो कर पाए हैं नहीं वो तो चले गए हैं मेरा काजल जो लेक में का काजल जो 24 ओवर चलने की जगह 24 मिनट्स भी अगर रुक जाता ना तो मान भी सारा बे बे के निकल चुका है तो ये फिर से बारिश का मौसम हो रहा है लेकिन बारिश अभी आ तो नहीं रही है और वो देखो प्यारे से मौत और इस कूलर की वजह से आवाज़ नहीं आ रही होगी आपको शायद और इतने सारे कपड़े वॉश किए इतने सारे सामान उठा के लेके आ चुकी हूँ मैं फिलहाल तो मेरा किंडर जॉय का है ये रहा किंडर जॉय पर मैं अकेले नहीं खाऊंगी उनके साथ ही खाऊंगी बिकॉज मज़ा नहीं आता अकेले में ओके वो भी तो मेरा अकेले अकेले चिप्स खा के चले गए और जूस भी पी के चले गए लेकिन कोई ना अब मैं थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ सो जाती हूँ फिर उसके बाद मैं शाम को उठूँगी नहाऊंगी धोऊंगी फिर नमाज़ अदा करूँगी उसके बाद मैं फिर से वो वापस आ जाएंगे तो देखेंगे बाहर घूमने के लिए नहीं तो फिर घर पे ही रेस्ट यहीं तक का बाय